Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 28 में, जहाँ हम स्टूडेंट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट्स। यहाँ पर हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम के जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं उनके डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यूनिट नंबर 2, रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड रेफ्रिजरेंट्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर्स, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। सो कंपोनेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जैसा कि हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कंप्रेसर, तो ये रहा, इस प्रकार का आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मिलता है कंप्रेसर। दूसरा होता है कंडेंसर, तो आपके फ्रिज के पीछे में इस प्रकार का रेफ्रिजरेशन एक सिस्टम होता है जिसको कंडेंसर कहा जाता है। थर्ड होता है एक्सपांशन वॉल, तो ये इस प्रकार का होता है एक्सपांशन वॉल। और चौथा होता है इवेपोरेटर, ये होता है इवेपोरेटर जो आपके फ्रिज के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कि हम डिटेल में स्टडी करते हैं, सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। तो कंप्रेसर को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कंप्रेसर को दो भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है उसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का पार्ट कौन सा होता है? ओपन टाइप कंप्रेसर, हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर और सेमी हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। दूसरा जो भाग होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का, वो होता है रोटरी कंप्रेसर। उसमें भी हम रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर यूज़ करेंगे, वेन टाइप कंप्रेसर यूज़ करेंगे और स्क्रू कंप्रेसर भी यूज़ करेंगे। कंप्रेसर का जो सेकंड भाग होता है वो होता है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, जिसमें सबसे मेन होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है। तो हम इनकी स्टडी करेंगे। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को कुछ अकॉर्डिंग्स के हिसाब से भी हम उसको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से एक होता है वर्टिकल कंप्रेसर, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन आपका वर्टिकल होगा। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंप्रेसर, मतलब वो हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा, उसका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल रहेगा। अकॉर्डिंग टू द वर्किंग साइड ऑफ पिस्टन, मतलब पिस्टन किस प्रकार से वर्क करेगा, तो या तो हो सकता है आपका सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो, या फिर हो सकता है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो, ठीक है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द असेंबली ऑफ मोटर, मतलब मोटर की असेंबली किस प्रकार से होंगी, तो या तो हो सकता है वो ओपन कंप्रेसर, दूसरा हो सकता है हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर और थर्ड हो सकता है सेमी हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। तो आपके सिलेबस में ओपन कंप्रेसर और हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर है जिसकी हम लोग उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम ओपन कंप्रेसर को। तो ये रही डायग्राम आपकी ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि दो इसमें सेंटर्स होते हैं, एक होता है टॉप डेड सेंटर, एक होता है बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो टॉप डेड सेंटर यानी क्या होता है, जहाँ पर आपका पिस्टन अपर मोस्ट, पिस्टन का अपर मोस्ट पोर्शन, और बॉटम डेड सेंटर मतलब लोअर मोस्ट पोर्शन, इसके नीचे आपका पिस्टन जाएगा नहीं, इसके ऊपर आपका पिस्टन जाएगा नहीं। आप लोगों ने इसका वर्किंग आप लोगों ने ऑटोमोबाइल में भी पढ़ा होगा, है ना, किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो इसका वर्क भी आपके रेफ्रिजरेशन में भी होता है। अब वो किस प्रकार से होता है देखते हैं। सबसे पहले तो आपका पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। अब वो कैसे मूव करेगा, जो आपका रेफ्रिजरेंट है ये होता है इनटेक वॉल, ये होता है एग्जिट वॉल, ठीक है, एग्जॉस्ट वॉल। तो इनटेक वॉल से आपका रेफ्रिजरेंट अंदर की तरफ आएगा, इसके वजह से ये रेफ्रिजरेंट में यहाँ पे जमा हो जाएगा। और टॉप डेड सेंटर से आपका जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव करेगा बॉटम डेड सेंटर की तरफ। तो ये देखो यहाँ पे मूव करते हुए दिखाया गया है, टॉप डेड सेंटर से मूव बॉटम डेड सेंटर की तरफ, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू लोड डेड लोड, ये जो डेड लोड है इसके वजह से क्या होगा, आपका जो पिस्टन है वो वापस से मूव करना शुरू करेगा, कहाँ से, बॉटम डेड सेंटर से लेकर तो टॉप डेड सेंटर की तरफ। और यहाँ पर क्या होगा आपका कॉम्प्रेशन। तो कॉम्प्रेसर का सबसे मेन काम क्या है, कॉम्प्रेसर का सबसे मेन काम है आपका कॉम्प्रेशन करना, मतलब उसको उसका प्रेशर बढ़ाना, आपके रेफ्रिजरेंट का क्या करने का, प्रेशर बढ़ाना।
देखो यहाँ पर मैंने एक जीफ इमेज डाली हुई है। यहाँ पर देखिए आपका रेफ्रिजरेंट अंदर आ रहा है, ठीक है, आपका रेफ्रिजरेंट यहाँ पे अंदर आ रहा है और पिस्टन देखिए नीचे की तरफ मूव करेगा और उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करेगा, मतलब टॉप डेड सेंटर से लेकर तो बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, फिर ड्यू टू लोड वो डेड लोड ये वापस से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से देखो आपका जो दूसरा स्ट्रोक मतलब कॉम्प्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है ना। आपके कॉम्प्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर में कितने स्ट्रोक होते हैं? चार स्ट्रोक। सबसे पहला होता है सक्शन, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर सक्शन हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले सक्शन हो गया। दूसरा स्ट्रोक होता है कॉम्प्रेशन, तो यहाँ से होगा कॉम्प्रेशन, है ना, तो सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे हो गई कॉम्प्रेशन की। थर्ड जो प्रोसेस होती है वो होती है डिलीवरी, तो यहाँ से देखो आपका जो एग्जॉस्ट वाल है एग्जॉस्ट वाल ओपन हो जाएगा और यहाँ से क्या होगी इसकी डिलीवरी होगी, और डिलीवरी होने के बाद में वो कहाँ पे जाएगा आपके आपके कहाँ पे जाएगा वो कंडेंसर में जाएगा, और कंडेंसर के बाद जो आपकी फोर्थ प्रोसेस होगी वो होगी एक्सपांशन प्रोसेस, है ना। तो आपका ये हो गया वर्किंग ऑफ ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर, ठीक है। सो देखते हैं अभी हम आगे इसके यूजेस मतलब इसके एप्लीकेशन। तो ये कहाँ यूज होगा? यूज विद अ रेफ्रिजरेंट हैविंग लो स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड हाई कंडेंसर प्रेशर। जहां पर भी आपको लो स्पेसिफिक वॉल्यूम और कंडेंसर प्रेशर ज्यादा लगेगा आप वहां पे ओपन टाइप कंप्रेसर यूज करेंगे। यूज फॉर द रेफ्रिजरेंट प्लांट फ्रॉम लो कैपेसिटी ऑफ 1/4 टन ऑफ लार्ज 1/4 टन टू द लार्ज कैपेसिटी ऑफ 1000 टन। मतलब जहां पर आप 1/4 टन से लेकर तो 1000 टन तक आप लोग इसको यूज कर सकते हो। यूज विद अवेलेबल साइज फ्रॉम 1/8 HP टू द स्मॉल डोमेस्टिक यूनिट टू 100 HP द लार्ज इंस्टॉलेशन। मतलब यहाँ पर भी आपका कम HP से लेकर तो 100 HP तक के पावर में आप लोग इसको यूज कर सकते हो, और जहाँ पर भी आप लोग R12, R22 या अमोनिया यूज करोगे तो वहाँ पर भी आप ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर यूज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके MCQ में भी ये पूछ सकता है कि ओपन टाइप कॉम्प्रेसर कहाँ यूज करेगा, तो R12, R22, अमोनिया जहाँ पे यूज हो सकता है आप उसको वहां पर भी ओपन टाइप कॉम्प्रेसर यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप सभी को ये समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्मेटिकली सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर। सो मैंने हर्मेटिकली सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर के ऊपर एक प्रैक्टिकल का वाइवा प्रैक्टिकल का एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका हर्मेटिकली सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर। तो हर्मेटिकली सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर का को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल फीचर्स, दूसरा होता है इंटरनल फीचर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल फीचर में क्या रहेगा, ये आपका एक्सटर्नल पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है ना। तो एक्सटर्नल पार्ट में क्या रहेगा आपका वाला शेल रहेगा, मतलब एक आउटर शेल रहेगा एक इनर शेल रहेगा, ठीक है। आउटर शेल जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में कौन सा रहेगा है? सबसे पहला आउटर शेल में रहेगा एक टॉप शेल, ये जो शेल है ऊपर का ये क्या है, टॉप शेल, और दूसरा जो होता है ये बॉटम शेल होता है। ये देखो ये जो शेल चल रहा है आपका ये क्या है, आपका बॉटम शेल। तो टॉप शेल में आपके होते हैं दो, उसमें ट्यूब्स, दो ट्यूब्स लगे होते हैं। सबसे पहला जो ट्यूब होता है वो होता है सक्शन ट्यूब, ये देखो यहाँ पर जो लगा हुआ है ये क्या है, सक्शन ट्यूब। और एक और इसमें ट्यूब लगा होता है जिसको बोला जाता है चार्जिंग ट्यूब, क्या बोला जाता है, चार्जिंग ट्यूब, ठीक है। और जो बॉटम में जो ट्यूब लगा होता है वो होता है डिस्चार्ज ट्यूब। ये देखिए बॉटम जो प्लेट है यहाँ पर एक लगा होता है डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये अभी हम आउटर के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक होता है सक्शन ट्यूब और दूसरा होता है डिस्चार्ज ट्यूब, और तीसरा जो ट्यूब होता है वो क्या होता है आपका, आपका वाला चार्जिंग ट्यूब, ठीक है। एक यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स भी लगा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो वॉल लगा हुआ है ये होता है ऑल साइड ग्लासेस, ठीक है, यहाँ से आप ऑयल वगैरह यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में। तो इंटरनल फीचर्स में सबसे मेन जो होता है इसके वॉल्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे वॉल्स लगे हुए होते हैं जहाँ से आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो होता है अंदर की तरफ आता है। मतलब ये सक्शन इनलेट से यहाँ पे एक वॉल होगा, तो यहाँ से आपका रेफ्रिजरेंट अंदर आएगा, डिस्चार्ज ट्यूब की तरफ से एक वॉल होगा। तो ये वॉल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं आपके रेफ्रिजरेंट को अंदर की तरफ फ्लो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे क्रैंकेस हीटर भी होता है, ठीक है। पिस्टन आपका मेन रहेगा, पिस्टन बहुत मेन रहता है। इंटरनल प्रेशर रिलीफ वॉल होता है, ये देखिए
प्रेशर रिलीफ करने के लिए यूज़ होगा। दूसरा जो होता है यहाँ पर वो होता है कूलिंग। तो कूलिंग के लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे, आपके लिए लुब्रिकेशन यूज़ करोगे है ना। कूलिंग के लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे, ऑयल यूज़ करोगे है ना। तो यहाँ पर कुछ ऑयल होता है, वो ऑयल जो होता है क्या के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, आपके जो अंदर में जो भी आपका आपका कॉम्प्रेसर काम कर रहा है उसको कूल करने के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पर पिस्टन जो है अगर कंटिन्यूसली काम करेगा तो वहाँ पर टेम्परेचर क्रिएट होगा, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, आपका कॉम्प्रेसर की इफ़िशेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जो है क्या होता है, एक कूलिंग मटेरियल मतलब कोई भी एक ऑयल वगैरह जो होता है हम वहाँ पर पहले से ही लगा के रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक कूलिंग ऑयल लगा के रखते हैं ताकि आपका कॉम्प्रेसर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, मेंटेन रहे। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है लुब्रिकेशन। तो आपके जो अंदर के जो कंपोनेंट्स है उनका लुब्रिकेशन होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम लोग भी यहाँ पर एक लुब्रिकेटिंग ऑयल हमेशा इंसर्ट करते हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट दिख रहा है मफलर। मफलर का काम क्या होता है कि सक्शन लाइन से जो को आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म दिख रहा है मफलर। मफलर का काम क्या होता है कि देखो आपका जब पिस्टन काम करेगा, आपका जो हर्मेटिकली सील का कॉम्प्रेसर का पिस्टन वगैरह जब काम करेगा तो क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस पैदा होगी। उस नॉइस को ये क्या कर देता है, दबा देता है। एक छोटा सा पट्टी टाइप होता है वो क्या करेगा, आपके नॉइस को क्या करेगा, पूरी तरीके से दबा देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है। अगर ये नहीं होगा आपके कॉम्प्रेसर में तो आपके कॉम्प्रेसर की आवाज़ आने लगेंगी, और अगर आपको आवाज़ आती है इसका मतलब आपके कॉम्प्रेसर का क्या होता है, मफलर जो होता है वो ख़राब हो चुका होता है, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको तीन स्प्रिंग्स दिखे रहेंगे। इन तीन स्प्रिंग्स के ऊपर आपका जो कॉम्प्रेसर है वो पूरा का पूरा क्या होता है, फिट होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका हर्मेटिकली सील्ड कॉम्प्रेसर का कंस्ट्रक्शन। वर्किंग किस प्रकार से करेगा ये, वर्किंग कैसे करेगा, आपका जो कॉम्प्रेसर है वो मूव करेगा। उसके वजह से मूव करने के बाद यहाँ पर मफलर जो लगा है वो क्या करेगा, उसका नॉइस को क्या करेगा, पूरी के तरीके से दबा देगा। सक्शन लाइन के थ्रू क्या होगा, आपका रेफ्रिजरेंट अंदर आएगा और कहाँ पे जाएगा, आपके कॉम्प्रेसर में जाएगा, जहाँ पे आपका पिस्टन मूव करेगा, और पिस्टन मूव करने के बाद में फिर से वो वापस जाएगा और डिस्चार्ज लाइन के थ्रू में क्या होगा, वो आपका जो कॉम्प्रेसर से जो निकल रहा है आपका रेफ्रिजरेंट वो वापस से फिर कहाँ भेजेगा, वो डिस्चार्ज लाइन के थ्रू में आपके कंडेंसर की तरफ भेजेगा। बस यही एक काम होता है कॉम्प्रेसर का। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसको देखिए, प्रैक्टिकल का, ठीक है। सो आई होप सभी को यह समझ में आएगा। अच्छा, एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि केमिस्ट्री क्या इस प्रकार इसमें यूज़ होगी। तो इसमें केमिस्ट्री किस प्रकार से यूज़ होगी, तो आपका जो कॉम्प्रेसर है उसको बनाया ही इस प्रकार से जाता है कि वो सालों साल चले, वो ख़राब ना हो। इसी हिसाब से उसमें उस तरीके के रेफ्रिजरेंट, उस हिसाब के कूलिंग मटेरियल, लुब्रिकेंट्स यूज़ किए जाते हैं। उसका जो मटेरियल होता है आपको आपके कंडीशन के हिसाब से यूज़ करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप अपने आपके जो रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ कर रहे हो, तो रेफ्रिजरेटर में आपको कौन सा टाइप का कॉम्प्रेसर लगाना है, छोटा कॉम्प्रेसर लगाना है, बड़ा कॉम्प्रेसर लगाना है, उस हिसाब से आप उसका मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे जगह पे यूज़ कर रहे हो, जैसे आइस प्लांट में यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको बड़ा कॉम्प्रेसर लगाना पड़ेगा या फिर दो तीन कॉम्प्रेसर लगाने पड़ेंगे। तो आपको उस हिसाब से उसका मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके लुब्रिकेटिंग ऑयल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हर्मेटिकली सील्ड कॉम्प्रेसर। सो एडवांटेजेस ऑफ हर्मेटिकली सील्ड कॉम्प्रेसर, द लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कम्प्लीटली अवॉइडेड, बिल्कुल इसमें लीकेज नहीं होता है। ये लेस नॉइसी होता है। लेस नॉइसी क्यों बोलेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर मफलर लगा हुआ होता है, ये जो होता है कम स्पेस यूज़ करता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा समय तक चलता है। इसमें जो भी डिफेक्ट्स होंगे, जो भी वॉइड्स होंगे वो सब निकल, वो इसमें नहीं होता है। वॉइड का मतलब क्या होता है बेटा, कि गैप्स, अगर गैप्स होंगे उसमें तो गैप्स पूरी निकल जाती है, इसमें गैप्स का कोई रोल कॉल ही नहीं है। दूसरा क्या होता है कि ये मॉइस्चर फ्री होता है, ठीक है, और डस्ट फ्री होता है। अगर मान लो किसी प्रकार से आपके इसमें मॉइस्चर चले गया तो क्या होगा, आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, है ना। आपका जो कॉम्प्रेसर है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप लोग इसको, आप आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर सकते हो, आप विंडो एयर कंडीशनिंग में यूज़ कर सकते हो, वाटर कूलर में यूज़ कर सकते हो, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग में यूज़ कर सकते हो, फ्रीज़र में यूज़ कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है, ठीक है।
चलो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है डिफरेंस, ये आपके पेपर में बहुत बार पूछेगा कि ओपन टाइप और हर्मेटिकली सील्ड में क्या डिफरेंस है। तो ये जो कॉम्प्रेसर होता है, ये इसका जो प्राइमर होता है वो वी वेल्ड के ऊपर काम करता है, और यहाँ पे जो है हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं बाय द यूज ऑफ केसी। ठीक है, ओपन नेट में प्राइमर में कम या तो हम डीजल इंजन यूज़ करेंगे या फिर एसी और डीसी मोटर यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्राइमर रहेगा उसमें सिंगल फेज एसी मोटर ही यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, ओपन नेट में क्या होता है कि इंडक्शन मोटर होता है उसमें डिस्कनेक्ट फॉर द डिस्कनेक्टिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिले यूज करते हैं। ठीक है, ओपन टाइप में क्या होता है, कॉम्प्रेसर एंड मोटर इज जनरली माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या होता है, जनरली मोटर इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द कॉम्प्रेसर। जो भी मोटर होते हैं कॉम्प्रेसर के टॉप में उसको माउंट करते हैं। ठीक है, आरपीएम ऑफ मोटर डिफर्स फ्रॉम कॉम्प्रेसर। जो भी आरपीएम ऑफ मोटर रहेगा वो कॉम्प्रेसर के मोटर आरपीएम से डिफर करेगा, लेकिन यहाँ पर मोटर का आरपीएम और कॉम्प्रेसर का आरपीएम दोनों भी सेम रहेगा। शाफ्ट सील इज यूज फॉर प्रोवाइड लीकेज अराउंड द शाफ्ट ऑफ कॉम्प्रेसर। शाफ्ट वहाँ पे जो लगा होता है उसको सील लगाया जाता है ताकि उसमें लीकेज ना हो, और यहाँ पर शाफ्ट सील का कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो पहले से ही पूरा कॉम्पैक्ट होता है, पूरा पैक होता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है लीकेज की, यहाँ पर लीकेज नहीं होगा। डस्ट फ्री और मॉइस्चर फ्री होता है यहाँ हर्मेटिकली सील्ड कॉम्प्रेसर, लेकिन यहाँ पर डस्ट वगैरह भी जा सकती है। इट ऑक्यूपाइज मच स्पेस, ओपन टाइप को बहुत ज़्यादा जगह लगती है, लेकिन हर्मेटिकली सील्ड बहुत ही छोटा होता है और आराम से छोटी जगह पे यूज़ हो सकता है। इसको हम इजीली रिपेयर कर सकते हैं ओपन टाइप को, लेकिन हर्मेटिकली सील्ड कॉम्प्रेसर को रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर एक बार वो खुल गया और उसमें कोई उसमें थोड़ी सी भी मॉइस्चर वगैरह चली गई तो आपका जो कॉम्प्रेसर है हर्मेटिकली सील्ड पूरा ख़राब हो जाएगा, आपको उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ डिफरेंस। सो इनो डॉट कॉम सीव, हमने आज कॉम्प्रेसर को क्लासीफाई किया। आज हमने क्या पढ़ा, हमने ओपन टाइप कॉम्प्रेसर पढ़ा, हर्मेटिकली सील्ड कॉम्प्रेसर पढ़ा, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा आपको कि क्लासीफाई करो, बोलेगा कॉम्प्रेसर यूज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, स्केच एंड एक्सप्लेन हर्मेटिकली सील्ड कॉम्प्रेसर, तो आपको स्केच और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ हर्मेटिकली सील्ड कॉम्प्रेसर, तो आपको एप्लीकेशन बताने पड़ेंगे। कंपेयर द ओपन टाइप्स कंप्रेसर विद द हेल्प ऑफ विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो कॉम्प्रेसर के बारे में बताएंगे, सीलिंग बताएंगे, कॉस्ट बताएंगे। ठीक है, नॉइस लेवल, अप्लीकेशन, मेंटेनेंस, तो ये सारे आपको पॉइंट से आप लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा, आप लोग भी रिसर्च कीजिए इसके बारे में, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा रिसर्च कीजिए आप नेट से, और कंपेरिजन और भी मजबूत बनाइए। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर। थोड़ा सा लंबा हुआ है लेक्चर अपना, लेकिन थर्ड यूनिट में हमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, इसलिए अपने लेक्चर थोड़े से लंबे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्रेसर्स, मतलब और भी ज़्यादा टाइप्स है इसके वाले। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।